ड्रेस के साथ एक सिंपल सा मेकअप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट दो चीज है। तो ये दो ड्रेसेस मैंने अर्बनिक से ली है और अभी तक जस्ट ऐसे रफली मैंने ट्राई की थी, पर ये पहन के एक मेकअप के साथ वीडियो मैंने कभी वीडियो तो दूर की बात है, कहीं गई भी नहीं हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आज इसके साथ एक गॉर्जियस ड्रेस के साथ एक सिंपल सा मेकअप, एक सिंपल एंड सटल मेकअप के साथ मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करूं, ताकि ये मुझे पहनने का भी मौका मिले विद मेकअप, एक व्हाइट में एक ब्लैक में। तो ये वाला ड्रेस भी मुझे बहुत मतलब दोनों ड्रेस ही मुझे बहुत पसंद है और इतना लेंथ है इसका कि ये सारे बहुत मतलब हील के साथ अगर पहन के बाहर जाऊं। तो ये है मेरा दोनों ड्रेस जो मैं आज पहनने वाली हूँ विथ मेकअप। तो आप जरा बताना कि ये दोनों ड्रेस में से कौन सा आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है। मेकअप करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है मेकअप बेस, यानी कि मेकअप बेस का भी जो सबसे फर्स्ट लेयर है वो मैं यूज करती हूँ कोई ना कोई प्राइमर। मैं सीरम बहुत ही कम यूज करती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा ऑयली फील होता है मुझे। तो यहाँ पे मैं जो प्राइमर यूज करी हुई ये है कलर बर का, एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये जितना पॉकेट फ्रेंडली है, जितना अफोर्डेबल है, इजिली अफोर्डेबल है, ये आपको कहीं पर भी मिल जाएगा उतना ही अच्छा है। और ये एक परफेक्ट मैट फिनिश देते हैं जिसके लिए ये मुझे इतना पसंद है। और ये प्रोडक्ट वैसे भी आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, फिर भी मैं इस वीडियो में टैग कर दूंगी, व्यू प्रोडक्ट में जाके आप इसे क्लिक करके परचेस भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं भी इसे यूज करने वाली हूँ। बस इतना सा, पर आपके नेक तक हो जाएगा इससे। उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ मैक का स्ट्रॉप क्रीम, क्योंकि आज का मेरा मेकअप का जो टारगेट है वो है फ्लॉलेस स्किन। और फ्लॉलेस स्किन अगर मिल जाए आपको तो डार्क लिपस्टिक की जरूरत नहीं है, हेवी आई मेकअप की जरूरत नहीं है, बस सिंपल रहना, उसमें ही आप बहुत ज्यादा ग्लैमरस दिखोगे। नो मेकअप लुक जो होता है ना, ये मुझे हमेशा से बहुत पसंद आते हैं। और अभी लास्ट में मैं यूज करने वाली हूँ फाउंडेशन। फाउंडेशन ये भी मैं मैक का यूज कर रही हूँ, स्टूडियो फिक्स। तो अभी मैं अपने आईब्रोज को डिफाइन करने वाली हूँ। कलर पैलेट मैं यूज करने वाली हूँ मेकअप रेवोल्यूशन, बहुत पुराना है फिर भी ये मुझे बहुत पसंद है। और ब्लैक आई शेडो से मैं अपना आईलाइनर ड्रॉ करूंगी, विथ थोड़ा सा ब्लश, हल्का सा हाइलाइटर, स्पेशली इवनिंग पार्टी में बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। और आपका ड्रेस जबकि इतना गॉर्जियस हो तो थोड़ा सा अगर हाइलाइटर यूज करेंगे तो अच्छा लगेगा। और लास्टली अभी हमें यूज करना है लिप्स, पर बात बात में मैं अपना आईलैश कर्ल करना भूल गई थी, तो आईलैश कर्ल कर लिया है। तो अभी थोड़ा सा मस्कारा अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि मैं फॉल्स आईलैशेस यूज नहीं करती, जो फेक आईलैशेस होते ना वो मैं यूज नहीं करती। थोड़ा सा कर्ल कर लेती हूँ, मस्कारा लगा लेती हूँ, ठीक ठाक ही लगता है। एक्चुअली इतना मेकअप करने का एक ही मकसद है कि वो ड्रेस मैं आपको पहन के बताऊँ। नॉर्मल जैसे मैं रहती हूँ वैसे अगर पहन के दिखाती ना तो कुछ जमता नहीं, आपको भी अच्छा नहीं लगता। तो अब ड्रेस अगर अच्छा कुछ पहनो तो थोड़ा बहुत मेकअप तो अच्छा लगता है, उसके साथ चलता है, वरना वो ड्रेस भी बहुत फीका फीका लगता है। हो गया मेरा। सो गाइस, ये है मेरा फुल ड्रेस, पर इसे मैंने ऑल्टर किया था ये दोनों साइड से, क्योंकि जब ये आया था बहुत ज्यादा लूज था। दो महीने पहले मैंने इसे ऑल्टर की थी, दो महीने बाद पहन रही हूँ, अभी भी मुझे लूज ही लग रहा है, क्योंकि तब ठीक हुआ था, तब से लेके अभी तक दो महीने में और भी थोड़ा कुछ वेट लॉस किया है, तो जिसके कारण ये जो साइड है ये टाइट होना बहुत जरूरी है, पर ये थोड़ा सा अभी मुझे लूज लग रहा है। अदरवाइज इसका जो डिजाइन है ये कुछ ऐसा है, ये हील के साथ और भी अच्छा दिखेगा, क्योंकि हील के साथ इसका और भी लेंथ बढ़ेगा ना, तो ये ड्रेस प्रॉपर शेप में आएगा। फिलहाल तो अभी जरूरत नहीं है इसकी, एकदम मतलब परफेक्ट पार्टी वेयर, इसे आप कहीं पर भी पहन सकते हो, जहाँ पर भी आपका मन करे। और अभी मैं आपको ब्लैक वन दिखाती हूँ। ये दोनों ड्रेस का ही जो मेन चीज है वो है लेंथ। लेंथ एक्चुअली मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि
मैं खुद ही इस वीडियो को शूट कर रही हूँ, कोई अगर दूसरा होता तो जरूर दिखाती। तो हील के साथ अगर लेंथ ना दिखाओ, मैं चलूं, मैं मूव करूं उस टाइम में, अगर लेंथ का आपको पता ना चले तो ये जो ड्रेस, दोनों ही ड्रेस है ना, इसका कोई मतलब नहीं है इतना। तो बाय द वे, ये है जितना भी आपको दिख रहा है, तो ये है मेरा ड्रेस। 2500 के अंदर है ये दोनों ड्रेस, ये भी तो 2500 के अंदर है और वो सिल्वर वन भी। इतना कम प्राइस में ऐसे ड्रेसेस मिलना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए अर्बनिक से मुझे ये मिला तो इसलिए मैंने ले लिए हैं। और अगर बड़े बड़े ब्रांड्स में अगर आप जाना चाहते हो तो ये 10,000 या 15,000 का ये एक एक पार्टी वेयर आता है, कोई भी अगर आप बड़े ब्रांड्स में जाते हो तो। पर दूर से दिखने में क्या लगता है सी, और क्वालिटी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली क्वालिटी का फ़र्क तो होता है, पर क्या फ़र्क पड़ता है? आप इसे रेगुलर यूज़ तो नहीं करोगे कि एवरीडे इसे वॉश करना पड़ेगा, तो उस टाइम में क्वालिटी अगर अच्छा हो तो ख़राब नहीं होगा। आप इसे कभी कभार ही पहनोगे, तो कभी कभार के लिए इतना महंगा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जो भी मुझे ड्रेसेस चाहिए तो मैं वहाँ से ले लेती हूँ, मेरे बजट के अंदर आ जाता है और मैं खुश हूँ। तो ये दोनों ड्रेसेस में से कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताना। मुझे तो ज़्यादा सिल्वर अच्छा लगा, और ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, तो फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।